Hello everyone, so this is the clip of 15th of May and current time is 5:43 PM. यहाँ से मैंने स्टार्ट करने पढ़ाए थे अपने पढ़ाई स्टार्ट करी थी एंड आई स्टार्टेड विद मैथमेटिक्स. इसके दो रीजन्स है. फर्स्ट की स्टार्टिंग आर प्रोडक्टिव होते हैं तो मैथ्स के मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है. आई नीड टू मेक माई सेशन प्रोडक्टिव फॉर मैथमेटिक्स. एंड सेकेंड थिंग की कल मेरा टेस्ट है मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का. जो चैप्टर हमारा जो 4 है उसका मेरा कल टेस्ट है. तो इसके लिए मैंने NCERT एंड NCERT एग्जाम पर प्रैक्टिस करनी थी. सो आई वॉज कम्प्लीटेड लाइक आई वॉज डन विद अराउंड 7:31 PM तक मैं इस पूरे चैप्टर को कम्प्लीट कर चुकी थी. And then I started watching CID because that is one of my favorite things. CID देखना मुझे बहुत पसंद है. 9:32 PM तक मैं काफ़ी लंबा ब्रेक हो चुका था. इसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू करी थी. सेशन 2 लगाया था पर्याप्त सीरीज जो मानसी मैम की थी. वहाँ से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की PYQs करे थे. नाउ हेयर कम्स कि कल टेस्ट है तो टेस्ट इतना कुछ शुरू कर रही हूँ बिकॉज टेस्ट मेरा क्वेश्चन जो मैं टेस्ट थे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन से जाते टेस्ट में. तो मैं NCERT एंड एग्जाम्पल में ऑलरेडी कर चुकी थी. एग्जाम्पल के 2 एक्सरसाइज मैं पहले कर चुकी थी और 2 एक्सरसाइज मैंने आज करी थी. उसके साथ था आई वाज थिंकिंग कि मैं कुछ पर्याप्त सीरीज से कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेती हूँ. तो मैंने उसकी सीरीज ली थी उसके. नाउ हेयर वन मोर थिंग कि जो हमारा जो P1 एग्जामिनेशन है वो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं. इट इज़ गोइंग टू कमेंस फ्रॉम आफ्टर आर समर वेकेशन. मतलब 2 जुलाई से हमारे एग्जामिनेशन शुरू होंगे 1st ऑफ द स्कूल. तो उसके लिए मेरा सिलेबस ऑलरेडी आ चुका था. हज़ार सिलेबस इसमें मोस्टली पार्ट में कवर अप है ही. मेरे पास हिंदी है और हिंदी हमारा कोर्स B है एंड इंग्लिश है. इंग्लिश हमारा कोर्स A है. साथ साथ आई हैव IT. उसके बाद आई ड्रिंक्स बनाना शेक अलॉन्ग विद माई स्टडिंग एंड अराउंड 11:30 आई वॉज डन विद पर्याप्त सीरीज. इवन मतलब पर्याप्त सीरीज के मैं PYQs भी काफ़ी अच्छे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रैक्टिस में कर चुकी थी. देन आई यू नो माई मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द डे की टू कट ऑल द थिंग्स फ्रॉम माय टू डू लिस्ट. देन आई डिड दैट. एंड देन आई स्टार्टेड माई सेशन 3 जो कि था मैंने साइंस के लिए लगाया था लाइफ प्रोसेसेस के लिए जिसके लिए मुझे NCERT एग्जाम क्लियर करनी थी. NCERT ऑलरेडी मैं कर चुकी थी. इसके नोट्स में बना चुकी थी. इसका लेक्चर भी ले चुकी थी. द ओनली थिंग वॉज रिमेनिंग कि मैं इसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करूँ. तो क्वेश्चन के लिए मैंने NCERT एग्जाम क्लियर की थी. आई वॉज फॉर वीडियो जहाँ से मैं अपने क्रॉस चेक आंसर्स कर सकूँ. मतलब मैंने पूरे क्वेश्चन पहले खुद करे थे. फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरे MCQs पहले खुद कर लिए एंड उसके बाद फिर मैंने मतलब वीडियो की हेल्प ली थी चेकिंग करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए मैं आंसर्स जो कर रही हूँ सही है या गलत है. Like this. एंड ऑल्सो आई वॉज थिंकिंग कि मतलब ऑन अपनी द कमिंग संडे मैं संडे को अपना खुद का टेस्ट लूँ. मतलब फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री तीनों चैप्टर्स का टेस्ट तो लेते ही ले पाते कि नहीं. एंड देन आई वॉज डन विद दिस ऑल्सो. लाइक एग्जाम्पल भी मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर चुकी थी. सारे क्वेश्चन कर लिए थे. जो लॉन्ग एंड जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने हाफ करे थे बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं उन क्वेश्चन को एक टेस्ट के तरीके से करूँ संडे को. तो तब देखते हैं. एंड देन द लास्ट थिंग वॉज ओनली रिमेनिंग वॉज कम्प्लीटिंग माई होमवर्क. काफ़ी सारा होमवर्क बचा हुआ था मेरा. मैंने सारा होमवर्क को कम्प्लीट करना था.